अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ आपको बताने लगी हूँ जो मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं और बनती भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैं रोटी पकौड़ा बनाने लगी हूँ या नान पकौड़ा, और किस तरह से बनाते हैं उसके लिए हमें बेसन चाहिए। या मैंने बेसन लिया, थोड़ा सा कटी हुई सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ धनिया है, प्याज है, ये मैंने सब्ज़ प्याज ली है उसे काटे, नमक मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन है, और मेरे पास तंदूर की रोटी है। इसे हम काट लेंगे, काट के इसके पीस बना लेंगे। जिस शेप में मर्जी है आप इसके पीस बना रहे, ये देखिए जी, मैंने इस तरह से इन्हें स्लाइस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल में ये मैंने बेसन डाला, इसमें हम प्याज, सब्ज धनिया और सब्ज प्याज भी, कटी हुई सब्ज मिर्च है और थोड़ी सी कटी हुई सब्ज मेथी है, इसके साथ ही नमक मिर्च और अजवाइन, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर लेंगे। पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल ही पतला सा गोल बना लेंगे। देखिए आप देखते हैं, नान या तंदूर वाली रोटी रात में अगर बची हुई भी पड़ी हो तो आप उसे सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है खाने में, इसे ज़रूर बनाइएगा। देखें इसे इस तरह से तैयार कर लेना है पेस्ट को, साथ ही मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया, इसे डिप करेंगे इस तरह। ये देखिए जी, ऑयल गर्म हो गया, इसमें डालते जाएंगे इस तरह इसके ऊपर लगा के। ये देखिए ऑयल गर्म करने के बाद मैंने आँच पे थोड़ा धीमा कर लिया था, मीडियम पे। ये देखें हमारी मज़े की मसालेदार रोटी जो है वो फ्राई हो रही है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आप पिज़्ज़ा बनाना जो है वो भूल जाएंगे। ये देखिए जी, फ्राई हो गए। फिर प्लेट में निकालते जाएंगे। इसी तरह से सारे जो है वो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, देखिए जी हमारी रोटी जो है वो फ्राई होकर तैयार है, आप देख सकते हैं। साथ मैंने इसकी इमली की चटनी बनाई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। काश मैं आपको अभी इसे खिला सकती, यकीन करें मेरा ऐसे दिल कर रहा है कि मैं आप सबको इसे खिला कर दिखाऊं कि ये कितने मज़े की तैयार हुई है और कितना डिफरेंट सा इसका टेस्ट है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।